दिवंगत पूर्व सीएम कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज बुलंदशहर के नरोरा में किया जाएगा और उनका अंतिम संस्कार बसी घाट के बच्चा पार्क में किया जाएगा। नरोरा में प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों ने अंतिम संस्कार की तैयारियों का जायजा लिया। बच्चा पार्क की साफ सफाई की जा रही है। बुलंदशहर की जनता पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बाबूजी के नाम से पुकारती थी। बुलंदशहर की जनता से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को विशेष लगाव था। देश में राम मंदिर आंदोलन को तेज धार देने वाले बाबूजी कल्याण सिंह शनिवार को हम सबको छोड़कर चले गए। कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर को आज नरोरा लाया जाएगा। नरोरा में बच्चा पार्क है बसी घाट पर, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसमें हम मौजूद हैं बच्चा पार्क के वहीं बसी घाट पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो अंत्येष्टि स्थल है उसका निर्माण किया जा रहा है। वहाँ पर उसकी तैयारियाँ पूरे तरीके से चल रही हैं और इसी अंत्येष्टि स्थल पर जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल राजस्थान के कल्याण सिंह जी का अंतिम संस्कार इस अंत्येष्टि स्थल पर किया जाएगा। यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियाँ चली हैं। यहाँ पर जो आज बुलंदशहर के नरोरा में वीवीआईपीज और कुछ मुख्यमंत्रियों के भी आने की संभावना है, ऐसा माना जा रहा है कि देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिवराज जी चौहान मुख्यमंत्री भी यहां पर आ सकते हैं कहीं ना कहीं। उसके अलावा भी कैबिनेट मिनिस्टर और अन्य देशों के कुछ मंत्रियों के आने की संभावना है, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। पीछे भी एक बहुत बड़ा टेंट लगाया गया है जहाँ पर ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं जो वीवीआईपी आएंगे उनकी ये व्यवस्था की गई है। चूँकि मौसम बारिश का हो चला है तो जो टेंट है उसको जिस तरीके से लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बारिश है उसका कोई असर ना होने पाए। तो जो पूरी तैयारियां हैं, ये बच्चा पार्क है जहां पर हम लोग खड़े हैं और बच्चा पार्क पर जो कल्याण सिंह जी हैं उनके पार्थिव शरीर का जो अंतिम संस्कार किया जाएगा उसकी तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं पूरा शेड है, लोहे का पूरा शेड तैयार किया गया है और इस शेड को भी ढका जा रहा है ताकि जिस समय अंतिम संस्कार किया जाए तो मैंने अगर बारिश आती है तो उसमें कोई जो परेशानी है कोई व्यवधान बीच में ना आए। तो पूरी तरीके से पूरा शेड है, ऊपर से टीम से उसको पूरा कवर किया जा रहा है और पूरा अंतिम स्थल से पूरी तरीके से उसको अच्छे से निर्माण किया जा रहा है। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन अरोड़ा के साथ मोहित मोहम्मद, जी मीडिया।